अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने खाना यहाँ पे खाया फारूक भाई के घर, और इतना मज़े का खाना। और गाइस आपको एक मज़े की बात बतानी है, वो ये कि चार का टोला और द आउल मीडिया पे चार का टोला, इन्हें देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको बहुत मज़े के फनी चिट चैट, कुछ संजीदा बातें और कुछ घरेलू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें जी एक हैं बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह महवेश, और इन दोनों का बेटा, और ये तुम्हारी ग्राई और फारूक वाली। और यहाँ पे आपको दो बीवियों का एक घर के अंदर इत्तेफाक मिलेगा कि दोनों मिसेस एक ही घर में रह के और इतने मज़े की इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं, वैसे हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मर्द हर मर्द उसकी शादी करें, लेकिन जो जो तो फारूक भाई बन सकता है तो वो ज़रूर करें। और ये जो हमारा सेंटर में मोमा जी, मोमा बहुत ही प्यारा सा ऊपर करना। तो ये आपकी ग्राही है वैसे ही। अच्छा, तो मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ, ये चार का टोला बेसिकली, ये हमने पिछले साल जब महवेश ने ये दी आउट मीडिया शुरू किया था, और ये बहुत फनी और बहुत अच्छा होगा, उसी की तरह वो मोमो और वो जलिया, मतलब इतनी अच्छी फैमिली। तो हम अपने दी आउट मीडिया पे बाकी सीरियस कॉन्टेंट, हम हर तरह का कंटेंट, आपने हमारे चैनल पे देखा, खुद भी देखा होगा कि वहाँ पे बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स बनी हुई है वर्ल्ड ऑर्डर पे, चीन पे, कोरोना पे, बड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन दी, और मैंने कहा वही समझ सकते हैं जो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, और वही समझ सकते हैं जिसका मतलब टीपू सुल्तान की रिपोर्ट आपने देखी होगी इनकी, मैंने खुद देखा था, अभी बड़ी वो मतलब। तो ये बेसिकली दी आउल मीडिया, हम ना एक पूरा एक बुके बना रहे हैं जिसमें आपको रिलीजन भी मिलेगा, जिसमें आपको सियासत भी मिलेगी, खबरें भी मिलेंगी, एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, स्पोर्ट्स भी मिलेगी, और ये चार का टोला जो हम जल्दी इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी जिंदगी पे है जो फोकस। अगर मैं यहाँ पे हुई तो कभी-कभी मैं इस टोले में जरूर तैयार करूंगी, कभी-कभी मैं जरूर वैसे आपको पता ही, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी, मेरी भी विश होगी कि चार के टोले के साथ मैं बैठूं और इतने मजे की इनकी गुफ्तगू सुन सकूं और इनकी गुफ्तगू से लुत्फंदोज हो सकूं, ये मेरी खुशकिस्मत। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, राबिया खाने की एक्सपर्ट है, तो इनके लिए हम खाने की नहीं पकाना, लेकिन लगता खाने खाने की नहीं, मेरी से माशाल्लाह सेहत के हवाले। हमारा मम्मी हर चीज का एक्सपर्ट है, स्पेशली आपको पागल बनाने का, ठीक है, ऐसे से बनवाने का ये मेरे घर ही मालूम पड़ रहा था खुद बेटा, तो महवेश मीडिया से नहीं है, सीरियस जर्नलिज्म की है। तो महवेश को आज थोड़ा सा वो हो रहा था कि फारूक क्यों, मतलब व्हाई शुड वी यू नो गो, मैं कहा यार सब तो वड्डा रोग की आखेंगे लोग, तो जब हम एक शो शुरू करने जा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है कि हरीम शाह उसको इंट्रोडक्शन उसका दे दें। फारूक भाई, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करें, और इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे संजीदगी भी है, ऐसा प्लेटफॉर्म लोग अपनी घरेलू ज़िंदगी कभी भी डिस्कस नहीं करते, उसको मख्फी रखते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि घर के अंदर बंदा कैसे और बाहर कैसे। और मैं सबसे ज़्यादा मतलब इस बात पर इम्प्रेस हुई हूँ कि आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी मिसेज, अपने बच्चे, अपने आप को भी मतलब वो बताएं जब आपको पता चला था इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, जब इस्लामाबाद आए थे हम, तो इन्होंने जब इंट्रोडक्शन करवाया कि इन्हें व्यूअर्स को बताएं, महवेश मेरी मिसेज, नहीं नहीं महवेश ने बोला था, इन्हें बोला था ये मेरे हस्बैंड है, और आपने बोला ये मेरी मिसेज, मैंने कहा क्या हो रहा है, फिर आपने बताया, और फिर मैंने वो मतलब वो बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और मैं काफ़ी सोचती रही कि नहीं इंसाफ और मसावात अगर करना कोई चाहे तो इस दौर में भी मर्द करते हैं, और फारूक भाई की माशाल्लाह दोनों लव मैरिज है, तो मैं फारूक भाई से कहती कि दोनों को प्यार होते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि प्यार ब्याह बार होते हैं, और प्यार के बाद मतलब प्यार असल चीज ये होती है कि ये नहीं कि आप आज प्यार प्यार नहीं, प्यार तो वो मतलब दोनों मिसेस के फेस को देख के, फेस पे जो मुस्कुराहट है, इंसान मतलब कभी भी जो इंसान के दिल में होता है वही इंसान के फेस पे होते हैं, तो इसके इनके फेस की मुस्कुराहट और इस इनके फेस की खुशनूदगी ये देख के ये आपके साथ बहुत खुश हैं, और ये आपस में बहुत खुश हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप यूँ के मतलब बहनों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं वो भी, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि मतलब आप दोनों में कोई ऐसी बात होती है। चले व्यूअर्स को फिर बोले कि चार का टोला का वेट करें, चार का टोला का वेट करें, जरूर देखिएगा चार का टोला, और आपको यहाँ से बहुत खास खास किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और आपको बहुत मजा भी आएगा,
कुछ होंगी संजीदा बातें, कुछ होंगी मेरे ख्याल में मजाकिया, फनी खट्टी मीठी तलखो, लेकिन ये आपने घर के अंदर के हकायक से भी आप और ये 360 वीडियो जो सिर्फ द ऑल मीडिया दे रहा है, द ऑल मीडिया, और इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, मैं अपने आप को कि मैं फारूक भाई की फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद हूँ, इस बात को फारूक भाई मैं अपनी खुशकिस्मत नहीं, आप आपकी मोहब्बत है मतलब सुबह से रात तक ग्राइंड दे रही हूं, नहीं नहीं ग्राइंड दाल में ग्राइंड की कर रही हूं, मेरी बात सुनिए फारूक भाई, आपका घर मेरा घर, आपकी फैमिली मेरी फैमिली, आप मेरे भाई, आप इतना एहतमाम ना भी करते, मैं तो सना मौज छिल को सिर्फ एक साग ही पका छोड़ राबिया का एक अपना एक शो जो फूड के ऊपर है वो कर रही है, तो वो हजारे वाल दी है, लस्सी का साग जरूर फारूक भाई, मैं आप एक हकीकत बात मतलब बहुत मैं बहुत स्टेट पर रोटेट की हूं, शायद कि मुझे भी कभी लस्सी का साग खाना नसीब ना, उसकी वजह ये है कि मैं एक बैकवर्ड एरिया से और एक रिजिड फैमिली से मैं वो करती थी, मेरे अम्मी अब मुझसे खुश है, मेरी अम्मी मुझसे राजी है, मैं उनके दाद फॉर्म बेदारी करती हूँ और हमेशा करूँगी, लेकिन फैमिली में उस तरह से जाना या उस तरह से उनके साथ बैठना बहुत मुश्किल है, नहीं तो लस्सी का साग ये खिलाइए ना अब आपको मैं खिलाऊंगा आपको नेक्स्ट नहीं चला आपको मेरा अगर वहां का ग्राही देख रहे तो वो मेरे लिए पैक करके ला दे मैं खिलाऊंगा आपको ग्राही पे भी दोनों मिलके बनाएंगे काम में खाना ऐसा बनता है कि हम दोनों लेकिन मैं वहां पे जाके और उन चीजों से मतलब उन खेतों में नहीं जा सकती, उन बागात में नहीं जा सकती, उन लोगों में भी उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा डिफिकल्ट, अल्लाह खैर करके इंशाल्लाह, नहीं अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिक मालिक मुदब्बर है, इसमें नो डाउट, इसमें तो कोई नहीं। चलिए व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू हरीम हमारे पास आए, हरीम का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी बहुत ही क्यूट सी बहुत ही मासूम सी महविश और उनका बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी, और ये तो अपना थैंक यू सो मच, बहुत मजे का खाना था और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत मजा आया।